एक प्रकार से वो रिवॉल्यूशन आने वाले हमारे हर परिवार के बालक है। घर में वो तोपते है, एक अदा करता इधर आ गया, इधर बैठे, इधर रख दिया, बदले बच्चे जागरूक हो गए और उसके कारण एक माहौल बन रहा है। और दूसरी उसकी मदद की है मीडिया ने, स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने इतनी ताकत दी, इतना सकारात्मक रूप दिया कि आज वो हर एक की जिम्मेवारी बनता चला गया है। वरना क्या होगा, अगर वो सरकारी कार्यक्रम है तो सरकार और जनता तनातनी चलते, कुमकुम मैरे चलते, लेकिन इसको पूरा रूप बदल दिया मीडिया ने। आज ऐसी ही उत्तम सेवा मीडिया के माध्यम से हो रही है। ये बातचीत ये कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं, ये देश की तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते और आप सब मेरे एग्जामिनर हैं, देखते हैं बाद में आप लोग तय करना कितने अंक देना है प्रश्न से। तो शुरू करें। हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हम तीन सवाल देख रहे हैं। दिल्ली से समीक्षा फर्म आपसे सवाल करना चाहती है, जो इस वक्त यहीं पर बैठे हुए हैं। आप समीक्षा प्रधान और निर्देशक भोगेशपुर दिल्ली ऑफ क्लास 11। माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डिस्पाइट ऑफ यू वर्क बी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट देयर इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस टिल द एग्जाम इज ओवर, सो हाउ कैन वी कोप अप विद दिस? पूरी तैयारी और आपके विश्वास के बावजूद परीक्षा समाप्त होने का डर लगा रहता है, इस स्थिति का सामना कैसे करें? फाइनली इसी से मिलता जुलता एक सवाल संजना ने भी पूछा है, जो पब्लिक टीवी के माध्यम से पूछा है। व्हाइल राइटिंग एग्जाम्स आई टेंड टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर्मूले एंड डेफिनेशंस इवन दो आई हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स, हाउ टू आई मैनेज इट बेटर? ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला है जो कि 9वीं कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं, पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अधिक कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे चूर ना होने दें? माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आप कैसे कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास फैल जाता है, कितनों को लगता है? ये सवाल